हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो, कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी में हम कह सकते हैं मतभेद, लड़ाई, झगड़ा। देखो, जब हमारे क्या होते हैं, आइडियाज़ मैच नहीं करते या हमारी फीलिंग्स मैच नहीं करती, हमारे गोल्स मैच नहीं करते और उसके अंदर गहरे मतभेद हो, तो हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है। और देखो, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिसएग्रीमेंट होता है। डिसएग्रीमेंट ये कई बार वायलेंट फॉर्म भी ले लेता है और कई बार क्या होता है कि पता है कि हमारे मतभेद जो है नहीं मिलते, लेकिन वो जो बिहेवियर होता है सबटल फॉर्म में होता है, पीसफुल फॉर्म में होता है। यहाँ पे पता है कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको वो वायलेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। वायलेंट के अंदर जैसे हम कई बार गली मोहल्लों में देखते हैं कि लोग लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें थ्रो कर रहे होते हैं, तो वायलेंट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है बहुत ही अग्रेसिव रूप जो है ले लेती है। चुंग एंड मैगिनसन जो है डिफाइन करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। कॉन्फ्लिक्ट को हम संघर्ष भी कह सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज द स्ट्रगल बिटवीन इनकम्पैटिबल और अपोजिंग नीड्स, विशेज, आइडियाज, इंटरेस्ट और पीपल। जब देखो हमारे आइडियाज़ किसी के साथ मैच नहीं करते, हमारी इच्छाएं किसी के साथ मैच नहीं करती, तो लोगों में मतभेद होता है। और देखो कई बार क्या होता है कि जैसे इट्स ए वेरी फनी एग्जांपल कि जैसे दो लड़कियां हैं, बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, बट उनका दिल एक ही लड़के पे आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस रीज़न की वजह से होती है, ड्यू टू इनकॉन्ग्रेंस। इनकॉन्ग्रेंस का मतलब होता है कि जब उनके अंदर मतभेद होता है गोल्स के अंदर, जब हमारे गोल जो होते हैं दूसरे से डिफरेंट होते हैं, वैल्यू सिस्टम, कई बार देखो गोल सेम होते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने का तरीका जो होता है डिफरेंट होता है। वैल्यू सिस्टम है, जैसे एक टीम के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि रिश्वत देना इज़ ओके, मतलब वो बुरा नहीं समझते, बट कुछ लोगों को लगता है कि रिश्वत जो देनी है डैट इज़ ए बैड थिंग। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के अंदर मतभेद हो जाएगा। और उसी तरह क्या होता है कि जो हमारा थॉट प्रोसेस है, आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। कई बार देखो हमारी फीलिंग और इमोशन जो होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते। कई बार देखो कोई सीरियस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि बंदा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा होता है कि ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए भी, लड़कियां सेफ नहीं है, बट कोई बंदा जो है उसको जोक कर रहा है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि वहाँ पे भी मतभेद हो जाता है कि सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस और यहाँ पे ये जो फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है ये उसके साथ मैच नहीं करते। उसी तरह कई बार हमें लगता है कि इस बंदे ने सही बिहेव नहीं किया, इसका बिहेवियर जो था इनअप्रोप्रिएट था, तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे देखो कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से होती है कि हमारे मतभेद होते हैं, हमारे गोल्स मैच नहीं करते, हमारे वैल्यूज़ मैच नहीं करते, हमारे आइडियाज़ मैच नहीं करते, हमारी फीलिंग मैच नहीं करती, हमारा बिहेवियर जो है हमें लगता है कि उसने सही बिहेव नहीं किया। और उसी तरह क्या है कि देखो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है कि देखो जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। कॉन्फ्लिक्ट जो है कई बार फैक्ट के बेसिस पे भी हो सकती है, कई बार फीलिंग की वजह से भी हो सकती है। जो फैक्ट के बेसिस पे होती है उसको हम सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे गोल मैच नहीं करते या गोल मैच करते हैं तो हमें जो तरीके हैं हमारे वो डिफरेंट है। और कई बार ऐसे भी होता है कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सोर्सेज लिमिटेड होते हैं, बट हर डिपार्टमेंट चाहता है कि उसको सोर्स एलोकेशन हो जाए, या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो है, टास्क असाइनमेंट जो है, रिवॉर्ड सिस्टम जो है, वो लोगों के मतभेद उसके ऊपर हो सकते हैं। जैसे मोदी की कई पॉलिसीज हैं तो देखो कई लोगों को अच्छी लगती है, कई लोगों को नहीं अच्छी लगती। तो उसी तरह इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है कि जो फीलिंग से होती है, जैसे हमें किसी के प्रति गुस्सा है या चिंता है। कई बार देखो हमारे जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस होते हैं तो कई बार हमें लगता है कि सुपीरियर जो है हमें सही ट्रीट नहीं कर रहा, या कई बार हमें लगता है कि जैसे सुपीरियर जो है हमें इग्नोर कर रहा है, कई बार होता है कि सुपीरियर जो है हमें दूसरों के सामने डांट देता है। तो यहाँ पर ये फीलिंग की वजह से क्या होता है कि कई बार हम सुपीरियर का बिहेवियर हमारे साथ सही नहीं होता तो हम उसके प्रति बिटर फील करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सके, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है। देखो यहाँ पे क्या है कि जो इंडिविजुअल है टेंशन उसके अंदर है, यहाँ पे उसके अंदर मतभेद चल रहा है। कई बार देखो क्या होता है कि उसके पास दो अनप्लेजेंट चॉइसेस होती हैं, जैसे हम कह देते हैं आगे भी मौत है पीछे भी मौत है,
ठीक है, तो वहाँ पे अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसमें से उसको एक चूज़ करना पड़ेगा। जैसे देखो ऑर्गेनाइजेशन उसको नोटिस दे देती है कि या तो भाई तो कम सैलरी पे काम कर या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाए। अब ये दोनों ही देखो अनप्लेजेंट चॉइसेस हैं, ठीक है, तो उनमें से एक को उसने चूज़ करना है। कई बार क्या होता है कि टू इक्वली अट्रैक्टिव चॉइसेस होती हैं, तो वहाँ पे अप्रोच अप्रोच के उसको देखना पड़ता है कि किसको वो ज़्यादा चूज़ करे। और कई बार ऐसे होता है कि कोई चीज़ पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, तो वहाँ पे उसको डिसीजन लेना पड़ता है। और उसी तरह देखो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि ये सब्सटेंटिव भी हो सकती है और इमोशनल भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है। देखो जैसे कई बार हमारा जो सुपीरियर है उसका बिहेवियर हमारे साथ ठीक नहीं होता, तो हमें उसके प्रति बिटरनेस होती है, तो ये इमोशनल है। सब्सटेंटिव होती है कि जब कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के दो बंदों के बीच में होती है, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है मार्केटिंग मैनेजर है, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की एलोकेशन के अंदर क्या है कि वहाँ पे उनके मतभेद है, तो हम कहते हैं कि ये सब्सटेंटिव कॉन्फ्लिक्ट है। इंटर ग्रुप होती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप्स के अंदर काम होता है, तो जब ग्रुप्स के अंदर जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं उनको होता है कि हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो ये सब्सटेंटिव है। कई बार ऐसे होता है कि हमारी टीम को ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, तो ये फीलिंग है। और उसी तरह इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या होता है कि फर्म जो है कई बार सेम इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिशन होता है, कई बार देखो उनको ये होता है कि सप्लायर जो है सेम होते हैं, तो वहाँ पे इस वजह से भी मतभेद होता है। और कई बार यूनियन और जो मैनेजमेंट की कॉन्फ्लिक्ट है वो भी इंटर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ही आ जाती हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो स्ट्रक्चरल फैक्टर भी हो सकते हैं, पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर के अंदर क्या है कि जैसे स्पेशलाइजेशन है, देखो स्पेशलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर होती है, डिवीज़न ऑफ लेबर से क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर टास्क मिलता है जिसके अंदर क्या होता है कि वो लोग जब परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है तो वहाँ पर एक डाटा के लिए है, एक स्टैटिस्टिकल पैकेज के लिए है, एक एक्सपर्ट सिस्टम के लिए है, तो नेचुरली दूसरे बंदे को ये नहीं पता होता कि दूसरा क्या परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई एडवाइस देता है तो वो कहेंगे तुझे कैसे पता। तो इस वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पे जो मतलब अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि दोनों के अंदर मतभेद हो जाता है। कई बार देखो क्या होता है कि लोग जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जब तक उनके अंदर रिलेशन अच्छा है तब तक तो कोई बात नहीं होती, बट जब वहाँ पर मतभेद हो जाता है तब वहाँ पर क्या होता है कि जो काम है उसकी स्पीड जो है रुक जाती है, क्योंकि जानबूझ के क्या होता है कि मतभेद होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि जैसे एक मशीन हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मशीनरी है जिसके अंदर काफ़ी लोगों को काम करवाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि सबको होता है कि मेरी टर्न पहले आ जाए, तो इस वजह से भी क्या होता है कि कॉमन सोर्सेज की वजह से भी क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है। और कई बार क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि मिसमैच होता है। जैसे देखो कोई केबल टेलीविज़न कंपनी है, जैसे केबल है, तो उसको होता है कि सेल्समैन को होता है कि जितने ज़्यादा मुझे कनेक्शन मिले, लेकिन जो इंस्टॉलेशन पर्सन है उसको होता है कि अगर इतने ज़्यादा लेंगे तो मैं टाइम पे जो है इंस्टॉलेशन नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे दोनों के गोल्स के अंदर जो है मतभेद होते हैं। ज्यूरिस्डिक्शनल एम्बिग्विटी का मतलब होता है कि जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनकी ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में पता नहीं होता, तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है मतभेद हो जाता है। और कई बार देखो अथॉरिटी क्लियर नहीं होती, कई बार देखो क्या होता है कि स्टेटस इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जैसे हमें होता है कि हमें ये स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है, लोगों के बीच में स्टेटस के बेसिस पे क्या होता है मतभेद हो सकता है। और उसी तरह देखो स्किल एंड एबिलिटीज़ के अंदर भी यही होता है कि जैसे कुछ लोग जो होते हैं ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे होते हैं बट फ्रेश होते हैं, तो जो पुराने एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके साथ काम करना पसंद नहीं करते। फिर जो पर्सनैलिटीज़ हैं, कई बार पर्सनैलिटी की वजह से भी क्या होता है कि लोगों के अंदर ज़्यादा मतभेद होता है। फिर जो लोगों का नज़रिया होता है किसी चीज़ के बारे में वो भी
मतभेद को जन्म देते हैं। फिर कई बार देखो वैल्यूज एंड एथिक्स की वजह से भी क्या होता है कि लोगों के अंदर मतभेद होते हैं, और उसी तरह इमोशन के बेसिस पे भी मतभेद हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है कम्युनिकेशन की वजह से होती है। कई बार लोग डिफरेंट कल्चर से आते हैं।